गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर हेयर टू डिस्कस द इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 एंड आवर कोर्स बुक इज द इंग्लिश रूट, अ मल्टी स्किल कोर्स इन इंग्लिश एंड क्लास इज क्लास 5. वी हैव टू डिस्कस द अगस्त मंथ सिलेबस एंड अर्लियर वी ऑलरेडी डिस्कस द चैप्टर नंबर 10 दैट इज अ पोएम. And in chapter number 11, it is a story called Picciola. Here, students, long, long ago, there lived a poor man in a small village. बहुत लंबे समय की बात है जब एक गरीब इंसान एक गांव में रहता था. The man was very honest and hard working. वो इंसान जो था काफ़ी ईमानदार और मेहनती था. He always helped others, so all the people of the विलेज लव्ड हिम वेरी मच. वह बाकी लोगों को भी बहुत मदद करता था, इसीलिए गांव के बाकी लोग उसे बहुत प्यार करते थे. बट सम पीपल हु वेयर जेलस ऑफ हिम, लेकिन बहुत लोग उसे जलन भी करते थे. फैब्रिकेटेड स्मॉल फॉल्स केस, और वो जो लोग जो उसे जलते थे स्टूडेंट्स, उन्होंने जो लोग उसे जलते थे बच्चों, उन्होंने उसे एक झूठे केस में फंसाया. एंड कंप्लेंट अगेंस्ट हिम टू द किंग, और राजा के पास खबर कर दी, कंप्लेंट कर दिया. द सोल्जर्स कॉट हिम एंड पुट हिम इन टू प्रिजन, सैनिक उसे पकड़ के जेल में डाल दिए. द प्रिजन वॉज डार्क, जो जेल था बच्चों वो काफ़ी डार्क था. कोल्ड एंड स्टिल, शांत और ठंडा भी था. इट वॉज वेरी ग्रे स्टोन, इट वॉज मेड अप ऑफ ग्रे स्टोन वॉल्स, एक ग्रे कलर के स्टोन से बने थे. द स्टोन रूफ शट आउट द सनलाइट, जो स्टोन के बने हुए छत थे वो सूरज की किरणों को अंदर आने से रोक देते थे. एंड ऑल द ब्यूटीफुल साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, सब कुछ रुक जाता था. बाहर के खूबसूरत नज़ारे, दिन के सूरज की रोशनी, और दुनिया में चहल पहल की जो भी सुंदर आवाज़ें थी, सब कुछ नहीं आ पाते थे अंदर में. देयर वॉज वन लिटिल विंडो टू लेट इन द एयर, और उस कमरे में, उस जेल की बंद कोठरी में एक छोटी सी खिड़की थी जहाँ से हवा आती थी. बट इट वॉज सो हाई अप, ये इतना ऊंचा था बियॉन्ड हिज रीच, दैट ही कुड नॉट इवन गेट अ ग्लिम्स ऑफ द ब्लू स्काई. वो उस रूम में काफ़ी हाइट पर थी, ऊंचाई पे ये खिड़की थी, कि यह वहाँ से बाहर की खुली ब्लू आसमान को भी, नीला आसमान को नहीं देख पाता था. देयर वॉज नो वन फॉर द मैन टू टॉक, उस कमरे में और कोई नहीं था जो इससे वह कुछ बात कर सके. एंड देयर वॉज नो वर्क फॉर हिम टू डू, और उसके लिए वहाँ काम करने को भी कुछ ना था. हेयर ही वॉज केप्ट फॉर ईयर्स, इसे कई बरसों तक वहाँ रखा गया. एंड वॉज नॉट अलाउड टू नो एनी थिंग अबाउट हिज फैमिली, और उसे अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने घर के बारे कुछ जानने नहीं दिया गया. एट लास्ट अ डोर वॉज ओपन, और एक बार आखिरकार एक दरवाज़ा खुलता है. इन टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रिजन, जेल के दूसरे हिस्से में. द वॉल ऑफ दिस पार्ट वेयर हाई एंड स्ट्रॉन्ग, जेल का वो दूसरा दरवाज़ा खुलता है और वह हिस्से में जहाँ पर दीवार काफ़ी ऊँचाई थी और मजबूत थी. एंड द फ्लोर वॉज पेव्ड विद द सेम ग्रेट ग्रे स्टोन्स, और जो ज़मीनें थीं उस जगह की वह सेम वही उसी प्रकार के ग्रे कलर के स्टोन से बिछी हुई थी, पेव्ड थे. बट देयर वॉज नो रूफ ओवर इट, लेकिन उस जगह के ऊपर कोई छत नहीं था. इट मीन्स यह एक खुला जगह था, खुला आसमान ऊपर से दिखाई दे रहा था. हेयर द विंड कुड कम इन, यहाँ पर हवा आती थी जाती थी. एंड द रेन ऑल्सो कम, द सन लाइट एंटर. ही वॉज allowed to walk here just for short hour each day, उसे कुछ 6 घंटे हर रोज़ यहाँ allow किया जाता था घूमने के लिए. and then he had to go back to his dark cell and door was shut upon him, और फिर कुछ देर के बाद, घूमने फिरने के बाद, वो अपने डार्क सेल में इसको दोबारा जाना पड़ता था और दरवाज़ा बंद हो जाता था. once while walking here the prisoner saw a little mound of earth rising between टू ऑफ द ग्रेट स्टोन्स ऑफ द फ्लोर, एक बार वॉक करते हुए जो प्रिजनर था उसने देखा कि एक लिटिल माउंड ऑफ अर्थ,
अर्थ का छोटा सा हिस्सा जमीन उठा हुआ है उन दो ग्रेट स्टोन्स के बीच में फ्लोर पर। एट फर्स्ट ही थॉट डेट सम टीनी वर्म और इंसेक्ट वॉज ट्राइंग टू बिल्ड अ हाउस फॉर इटसेल्फ। एक समय तो लगा कि कोई छोटा सा टीनी वर्म या क्रिएचर कोई होगा जो दो पत्थरों के बीच में अपना घर बनाना चाह रहा होगा। When he tried to have a closer look, जब उसने ध्यान से देखा, he saw that it was only the home of a little plant. यह सिर्फ एक छोटे से पौधे का घर है। The stray seed, ये जो बिखरा हुआ पड़ा हुआ बीज है, had been brought by the wind, ये हवा के द्वारा आया होगा, and it was now sending its root drawn into the crevice between the stones. वह एक बीज जो हवा के द्वारा उड़ के आया होगा, वह अपने जड़े फैला रहा है और वह दूर तक अंधे वो ग्रेट स्टोन्स के नीचे भी, जो ग्रेट ग्रे स्टोन्स है उनके नीचे भी अपने जड़ों को फैला रहा है, जिसके कारण पत्थरों के बीच से वो मिट्टी थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है। पुअर लिटिल प्लांट से द प्रिजनर, अब कैदी ने क्या कहा कि बेचारा नन्हा पौधा, वाट अ सैड होम यू हैव फाउंड, कितना सैड उदास दुखी घर तुमने चुना है। शैल आई नॉट क्रश यू, मुझे तुम्हें क्रश नहीं करना चाहिए। नो नो परहैप्स यू हैव कम टू कम्फर्ट मी, तुम आए हो, तुम मुझे यहाँ आराम देने के लिए आए हो। इन दिस टेरिबल प्लेस ही हरीड बैक टू हिज सेल एंड ब्राउट हिज कप ऑफ प्रीसियस वाटर, वह अपना कीमती पानी जा के लाता अपने कमरे से। ड्रिंक लिटिल वन, थोड़ा सा पीता है, ही सेड एज ही पोर्ड द वाटर आउट अराउंड, और पौधे को बोलता है कि तुम भी पियो। वो उसके चारों तरफ थोड़ा सा पानी गिरा देता है। ड्रिंक एंड लिफ्ट अप योर हेड, तुम पानी ये पियो और थोड़ा सा सर अपना ऊपर उठाओ, ये पौधे से बातें करता है। द नेक्स्ट डे ही वॉश इट अगेन, दूसरे दिन वह उस पौधे को दोबारा देखता है कैदी, एंड वाटर इट, इस सेम प्रकार उसे वाटर भी करता है, यानी पौधे को पानी भी देता है। एंड ही डिड सो एवरीथिंग, इस प्रकार वह रोज पौधे का देखभाल करने लगा। हाउ ब्रेवली इट सीम्ड टू स्ट्रगल टू पुश इट्स हेड अप, ये कितना ब्रेवली बहादुरी से है और मेहनत करके कड़ी लगन से अपने सर को इस मुसीबत की घड़ी में भी वो पौधा उठा रहा है। मुसीबत की घड़ी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उस पौधे के लिए फेवरेबल क्लाइमेट नहीं था, क्योंकि पौधे को पानी और हवा तो मिल जा रहा था, लेकिन जो उसे खुला जगह, उसके जड़ों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ऊपर का शूट पार्ट कैसे बढ़ेगा, स्टूडेंट आपने साइंस से पढ़ा भी होगा, जब रूट्स नीचे बढ़ेंगे उसे एनर्जी मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा सॉइल से प्रॉपरली, तभी तो। तो यहाँ तो सारा सॉइल स्टोन से पेव्ड है, फिर भी ये पौधा मेहनत कर रहा है, इसके जड़ सर ऊपर, पौधा ये उठ रहा है, जड़ भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। टू ओपन इट्स लीव्स, ताकि इसका पहला पत्ते भी खुले, एंड टू कैच द डल लाइट, और सूरज की रोशनी इसको मिले। एट लास्ट द लिटिल प्लांट बिकेम अ डियर फ्रेंड एंड कंपेनियन टू द मैन, अब वह नन्हा पौधा एक प्यारा दोस्त और साथी बन गया उस इंसान का। ही वुड बेंट ओवर इट द होल आर ईच डे, उसे जितने घंटे भी उस दिन भर में मिलते थे बाहर निकलने के, वो इंसान आके वहीं झुका रहता था, बेंट हुआ रहता था पौधे के ऊपर, एंड टॉक सॉफ्टली टू इट, ही कॉल्ड इट पिक्योला एज द प्लांट ग्रीव एंड पुट, उस इंसान ने उस पौधे का नाम पिक्योला रखा, और जैसे जैसे पौधा बढ़ने लगा, एंड पुट ऑन न्यू लीव्स, न्यू ब्यूटीफुल ग्रीन लीव्स जब आने लगे उस पर, ही फॉरगेट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ लव एंड जेंटलनेस, अब वह पौधा जैसे जैसे बढ़ने लगा, उस इंसान का दिल उससे खूबसूरत से पौधे जिसके नन्ही नन्ही कोमल हरी पत्तियाँ आने लगी, वो उसे देखने लगा, बाकी बाहर की दुनिया को भूल गया, उसका दिल खुशी से और जेंटलनेस से भर गया। वंस देयर वॉज ए स्टॉर्म, एक बार की बात है, एक बार तूफान आया था, एंड द ग्रेट हेल स्टोन्स बीट डाउन अपॉन पिक्योला, और वह बहुत पत्थर भी बरस रहे थे उस तूफान में। अह माई पुअर लिटिल वन वॉज किल्ड, विल बी किल्ड, वो देखा कि ये तो मर जाएगा इससे ओले से, इस जो बारिश तूफान में पड़े रहे पत्थर। क्राइड द प्रिजनर, प्रिजनर चिल्लाता है, एंड ही बेंट ओवर हर एंड सेटल्ड हर, उस पौधे के ऊपर झुक जाता है, वहीं स्थिर रहता है। द क्रूवेल हेल फेल अपॉन हिज हे ओन हेड, और जो क्रूवेल
जो खतरनाक ही जो तूफान आया हुआ था जिसमें ओले और पत्थर पड़े रहे थे, ये उसके सर के ऊपर पड़े। अंटिल द स्टॉर्म वॉज पास, जब तक वह पूरा ख़त्म नहीं हुआ तूफान, तब तक ये झुका रहा पौधे को बचाने के लिए, फियरिंग दैट अदर स्टॉर्म्स माइट कम, और ये डर रहा था कि कहीं दूसरा तूफान ना आ जाए उससे नुकसान पहुँचाए। व्हेन ही वॉज शट अवे फ्रॉम हर, ही बिल्ट अ लिटिल हाउस अराउंड हर विद द वुड, और जैसे ही ये तूफान ख़त्म होता है उसके अगल बगल वो लकड़ियों का एक छोटा सा घर बना देता है। डैट वॉज गिवन टू कीप हिम वॉर्म एंड मेड अ रूफ ओवर हर विथ अ मैट, ये लकड़ियों का इसलिए बना देता है घर ताकि पौधे को वो वार्म गर्माहट मिलेगा और ऊपर से एक छत का काम करेगा चटाई के तौर पे, विथ अ मैट विच ही वूव फ्रॉम द स्ट्रॉ ऑफ हिज ओन बेड। देयर अवर, एक ऊपर से लकड़ियों का तो बाउंड्री कर दी और ऊपर से एक चटाई डाल दिया जो उसके खुद के, उस कैदी के खुद के बेड में जो धागे निकले हुए थे बेड शीट के, उसमें से निकाल निकाल के छोटा चटाई बनाया था उसे उड़ा दिया। दिस मेड हिम वेरी, इससे वो काफ़ी खुश था। दो ही कुड बी विथ हिज पिक्योला फॉर बट वन शॉर्ट आवर ईच डे, इस तरह से वो अपने पौधे पिक्योला के साथ रहता था लेकिन दिन के कुछ ही घंटे। ही फेल्ट डैट शी वॉज सेफ, वो देखता था कि यह सेफ तो है। सो द प्लांट लिटिल प्लांट ग्रीव एंड ओपन हर फ्लावर्स, और वो पौधा धीरे धीरे बढ़ के अब अपना फूलों को खोलने लगा। एंड सेंट आउट हर परफ्यूम टू मेक ग्लैड द हार्ट ऑफ हर लोनली फ्रेंड, और वह धीरे धीरे पौधा जो फूल खिलने लगा उस फूलों से खुशबू उठने लगी, और जो उस उसके लवली फ्रेंड था जो कैदी था उस इंसान के पहुंचने लगी। बट अलास द डे कम विथ पिक्योला बिगेन टू ड्रॉप एंड विथर, इट सीम्ड अबाउट टू डाई, लेकिन एक ऐसा दिन आया आखिरकार कि पिकोला स्टार्ट हो गया झुकना, वो मुरझाने लगा। विथर, उसकी रौनक उड़ गई। ही सी सीम्ड अबाउट टू डाई, ऐसा लगा कि वो मर जाएगा। तो पुअर प्रिजनर वॉज फ्रेंटिक एंड ग्रीफ एंड क्राइड, पुअर जो प्रिजनर था कैदी था वो फ्रेंटिक हो गया, उसके तो होश ही उड़ गए, वो काफ़ी दुखी हो गया, चिल्लाने लगा। इज माई लिटिल वन माई जॉय माई होप द ओनली थिंग फॉर विच आई लीव टू बी टेकन फ्रॉम हिम, क्या ईश्वर क्या मुझसे ये लिया जा रहा है, ये जो मेरा छोटा सा नन्हा सा पौधा था जो मेरी खुशी थी मेरा उम्मीद था, यही एक चीज़ था जिसके कारण मैं यहाँ पे इतने दिन से टिका हुआ हूँ उम्मीद में, यह भी ख़त्म हो रहा है। सर्चिंग ए हार्ड ही फाउंड दैट पिकोला हैड ग्रोन टॉलर, हर स्टेम हैड ग्रोन लार्जर एंड नाउ देन वॉज नॉट रूम इनफ फॉर इट इन द क्रिविस बिटवीन द स्टोन्स, हर सैप हर लाइफ ब्लड वॉज रनिंग अवे एज द रफ एजेस ऑफ द स्टोन्स। सर्चिंग, वो गौर करने पर देखा कि उसका पिकोला बढ़ रहा था, ऊपर उठ रहा है, उसके डालियाँ बढ़ रही हैं, जड़ें बढ़ रही हैं, और वहाँ पर काफ़ी जगह नहीं है पत्थरों के दरारों के बीच में ताकि उसके जड़ ज़मीन के नीचे तक जा सके। हर सैप हर लाइफ ब्लड, इसकी जो ज़िंदगी का खून है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो इसके पत्थरों के बीच से फंसे हुए जड़ हैं जो इसके आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, स्टोन्स कट इन टू हर डेलिकेट स्टेम, और पत्थरों के कारण इसके तने कट रहे, जड़े कट रहे, नथिंग कुड सेव हर बट टू लिफ्ट दोज क्रूएल स्टोन्स, और इसको क्या रोका जा सकता है, बस उसी से ये बच सकता है अगल बगल जड़ों को फैलने के लिए उस स्टोन्स को अगर उखाड़ फेंके तो। द प्रिजनर ट्राइड हार्ड विथ हिज वीक हैंड, कमज़ोर हाथों से वह कोशिश करता है कि पत्थरों को उखाड़ दे बट फेल्ड, वीपिंग बिटरली, वो कस के रोता हुआ चिल्लाता ही बेग द जेलर टू रेज हिम, वह रेज हिम उठा उखाड़ने के लिए गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है जेलर से, बट द जेलर ऑल्सो कुड डू नथिंग, जेलर भी कुछ नहीं कर सकता है बिकॉज नो वन कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि किंग कुड ऑर्डर देम टू बी लिफ्टेड, जब तक किंग उसे ऑर्डर ना दे। बट हाउ कुड द प्रिजनर आस्क द किंग, कैसे वह राजा से मिल सकता है, द किंग लिव्ड फार अवे, राजा तो बहुत दूर रहते हैं हवेली में। द प्रिजनर डिसाइडेड टू सेंड अ लेटर टू हिम, प्रिजनर ने सोचता है कि एक लेटर वो भेजेगा उसके राजा के पास, बट ही हैड नो पेन नो इंक और पेपर, उसके बाद ना पेपर है ना इंक है ना कलम है,
सो ही रोट ऑन हिज हैंडकर चीफ विथ अ बिट ऑफ चैड फूड एंड बेग्ड नॉट फॉर हीज ओन लाइफ। और वह भीख मांगता है कि वह अपने जिंदगी के लिए नहीं, लेकिन वो अपने रुमाल पर जड़ की चैड वुड मतलब वो अपने पौधे के एक किसी लकड़ी के तिनके से कुछ लिखता है, किसी तरह से भी एडजस्ट करके ऊंचा हुआ जिसको कलम दवात हम लोग बोल सकते हैं, चैड रूट्स बोलेंगे कि किसी लकड़ी के, जैसे कि हम लोग दातून बनाते हैं बच्चों, उस तरह से वो उसे लकड़ी के टुकड़े से बनाता है कलम के जैसा एंड बेग्ड, उसमें वो लिखता है कि मैं अपने ज़िंदगी के लिए नहीं बट फॉर द लाइफ ऑफ पिकियोला, मैं उस पिकियोला के पौधे के लिए गिड़गिड़ाता हूँ। द किंग वुड काउज द स्टोन्स, किंग अपने ऑर्डर से उस पत्थरों को हटवा दे, वेयर किलिंग हर टू बी रेड, वो उसे उसने बढ़ने से मार रहे हैं। व्हेन द किंग रीड द प्रिजनर्स लेटर ही सेड नो मैन हु इज रियली वीक कुड केयर सो मच फॉर अ लिटिल सिंपल फ्लावर प्लांट। राजा बोलता है कि कोई भी कैदी लेटर लिखेगा और वो भी अपने लिए नहीं, रियली वह केयर कर रहा है उस छोटे से सिंपल सा फूल के पौधे के लिए। आई विल नॉट ओनली हैव द स्टोन्स रेज्ड दैट आर किलिंग हिज पिकुला बट आई विल पार्डन हिम, ही शैल बी फ्री बिकॉज ऑफ द लव ही बियर्स फॉर हिज प्लांट। वो बोलता है मैं सिर्फ पिकुला के पौधे के लिए पत्थर नहीं हटाऊंगा, मैं पार्डन करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस बंदे को आज़ाद कराऊंगा जो उस पौधे के लिए इतना प्यार करता है। सो द प्रिजनर लेफ्ट हिज लोनली सेल केयरिंग विथ हिम हिज पिकुला, वह उस पौधे को जो केयर करने वाला अकेला बंदा था उस जेल से निकल जाता है। हिज लिटिल वन हुम ही हैड सेव्ड एंड हु इज टर्न हैड सेट हिम फ्री, और वह लिटिल पिकुला जिसको उसने आज़ाद किया लगाया और वही पौधा उसको आज़ाद करता है उस अकेले कालकोठरी से। सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम द सेंटाइन। पिकुला इज अ नोबेल स्टूडेंट, ये एक नोबेल है, किताब लिखी गई है वहीं से इसका हिस्सा लिया गया है बच्चों। हेयर इज अ वर्ल्ड बैंक ग्लिम्स टू सी समवन और समथिंग वेरी ब्रीफली नॉट वेरी वेल, ग्लैंस टू लुक समवन और समथिंग वेरी क्विकली, क्रिवीस अ नैरो क्रैक जो पतला सा दरार को बोल सकते हैं, क्रैक अ वेरी नैरो गैप, क्रैक उस दरार को बोलेंगे जो बहुत ही पतला दरार है जो किसी दो चीज़ों के बीच में है, हेल स्टोन ये जो पत्थरों की बारिश होती है जो बर्फ़ के रूप में स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस जो गिरते हैं बारिश के साथ स्टोन तूफान में, फ्रेंटिक टू बिहेव इन अ वाइल्ड एंड अनकंट्रोल मतलब पागलों की जैसा व्यवहार करना, वीक इज समथिंग दैट इज़ वेरी बैड एंड हार्मफुल टू पीपल, वीक मीन्स बोलेंगे कि जो लोगों के लिए बहुत हार्मफुल या ख़तरनाक हो बुरा हो इसको वीक बोलेंगे। सो हेयर इज द एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट, यू विल कंप्लीट दिस फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।